दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग लैपटॉप के दो प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। एक है इंटेल का i3-11-15G4 और दूसरा जो है राइजन 5 का 5500U। इन दो प्रोसेसर के बीच में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रह रहा है और उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि इन दोनों लैपटॉप के जो प्राइसेज हैं वो लगभग आसपास ही घूम रहे हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि आखिर दोनों में हम कौन सा लें, जब प्राइस लगभग बराबर है तो हमें कौन सा बाय करना चाहिए। ये पूरा कंफ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर दूर करूंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों ही प्रोसेसर लैपटॉप के प्रोसेसर हैं, यानी i3-11-15G4 और दूसरा राइजन 5 का 5500U। ये दोनों ही लैपटॉप के प्रोसेसर हैं और दोनों के ही लैपटॉप आ रहे हैं, धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर लोकल मार्केट हो गया, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लोगों का ये मानना है इंटेल चाहिए, 11th जनरेशन नया आया है, बहुत अच्छा है। तो चूंकि राइजन भी नया आया है 5500U, इसका क्या परफॉर्मेंस है? तो आइए वन बाई वन करके समझते हैं। लास्ट में जो है मैं अपनी राय बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है। तो वीडियो को वन बाई वन करके समझते रहें, देखते रहें। तो सबसे पहली बात, इसकी लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो जो इंटेल i3 है ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2020 को, और एएमडी राइजन 5 5500U ये जो लॉन्च हुआ था ये 12 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। तो यानी कुल मिलाजुला के अगर देखा जाए तो एक साल नया है राइजन 5 5500U। बाकी कोर्स एंड थ्रेड्स की बात किया जाए तो इंटेल का i3 जो है उसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल कोर, यानी दो कोर और चार थ्रेड्स मिलते हैं, फोर थ्रेड्स मिलते हैं। और वहीं पर 5500U को अगर देखा जाए तो यहां पर 6 हेक्सा कोर मिलता है और 12 थ्रेड्स मिलता है। तो यहां पर कोई कंपेरिजन नहीं बनता बिल्कुल भी। जो है यहां पर i3 से राइजन 5 बाजी मार रहा है यहां अगर देखा जाए तो। यहां पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है, यानी कि अगर आप जो है मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके अंदर यहां पर राइजन 5 का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही भयानक दिखने वाला है। उसके बाद क्लॉक स्पीड की बात करें तो i3 11th जनरेशन जो है वो आपको देता है बेस फ्रीक्वेंसी उसकी 3 GHz और बूस्ट करने के बाद 4.1 GHz तक जाता है। वहीं पर राइजन 5 की बात करें तो 2.1 GHz देता है बेस फ्रीक्वेंसी और उसके बाद बूस्ट करने के बाद जो है ये 4 GHz तक जाता है। तो यानी कि यहां पर जो बेस फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर राइजन 5 लो है, यानी कि इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो लोग बूस्ट और टर्बो के बारे में नहीं जानते हैं थोड़ा मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। बेस फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जिस वक्त आप काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, उस वक्त बेस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है प्रोसेसर। लेकिन जैसे ही आप हैवी टास्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वीडियो एडिटिंग्स वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई गेम खेलने लग जाते हैं या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग्स करने लग जाते हैं, जब भी आप हैवी टास्क करेंगे तो उस वक्त जो है प्रोसेसर अपने बूस्ट फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है। जैसे ही लोड पड़ता है वो अपने हाई फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है। तो यह होता है बूस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि बूस्ट क्लॉक स्पीड उसकी। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। उसके बाद जो है दोनों का चिप लिथोग्राफी पे अगर हम बात करें तो i3 11th जनरेशन जो बना हुआ है 10 नैनोमीटर पे बना हुआ है और Ryzen 5 5500U जो है वो 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है। तो यहां पर भी आपको परफॉर्मेंस में और बैटरी बैकअप में आपको जो है बहुत ही बेहतर दिखने वाला है आपका Ryzen। उसके बाद मैक्सिमम कोर टेंपरेचर की अगर हम बात करें तो i3 जो है आपका 100 डिग्री तक जो है बिल्कुल भी आराम से चलेगा और वहीं पर राइजन जो है 105 डिग्री यानी 105 डिग्री पर जो है बिल्कुल भी आराम से चलेगा। तो यहां पर भी 5 डिग्री का आपको टेंपरेचर जो है मिल जा रहा है, जहां तक कि यानी कि ज्यादा गर्मी में भी आप इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो है कैच की बात करें तो इंटेल i3 में 6 MB मिल रहा है और राइजन 5 के अंदर आपको 8 MB मिल रहा है। तो यहां पर कैच भी आपको राइजन 5 में ज्यादा दिख रहा है। टीडीपी की बात करें तो यहां पर जो है i3 28 वाट की टीडीपी है और राइजन 5 25 वाट की टीडीपी है। रैम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो रैम जो है i3 के अंदर DDR4 3200 MHz तक जो है लेकर के सपोर्ट करेगा और LPDDR जो है 3733 MHz तक सपोर्ट करेगा। और यहीं पर राइजन 5 की अगर हम बात करें तो DDR4 3200 MHz तक सपोर्ट करेगा और LPDDR जो है 4266 MHz तक सपोर्ट करेगा।
और मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही 64 GB तक को सपोर्ट करेंगे। बाकी ग्राफिक की बात करें तो दोनों में इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको मिल जाता है, इंटेल में UHD ग्राफिक मिल रहा है और AMD में रेडियन ग्राफिक मिलता है जो कि बड़ा ही पावरफुल माना जाता है। और ग्राफिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1.2 GHz जो है इंटेल i3 दे रहा है और AMD जो है आपको 1.8 GHz दे रहा है। तो यहां पर भी ग्राफिक भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है AMD के अंदर। गेमिंग सपोर्टेड की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंटेल i3 है 92% इसका आता है और AMD Ryzen 5 जो है 100% गेमिंग को सपोर्ट करता है, यहां दोनों में कंपैरिजन निकल करके आता है। उसके बाद जो है लास्ट में जो लैपटॉप के जो प्राइसेस है उसकी अगर हम बात करें तो इंटेल i3 के अंदर 1115G4 का प्रोसेसर के साथ जो आपको लैपटॉप मिलेगा वो 40,000 से 50,000 के बीच में वेरी कर रहा है और यहीं पर Ryzen 5 5500U के साथ लैपटॉप अगर बाय करते हैं तो 45,000 से लेकर 55,000 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये जो वेरिएशन है कई बार आपको देखिएगा कि 2,000 से 3,000 के वेरिएशन में आपने जो है इंटेल को बाय कर लिया। तो जो लोग इंटेल लवर हैं, नहीं हमें इंटेल ही चाहिए, वो बाय कर सकते हैं क्योंकि 11th जनरेशन का ग्राफिक उतना वीक नहीं है। लेकिन वाकई में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों का कंपैरिजन में AMD Ryzen 5 5500U बहुत ऊपर है। तो अगर थोड़ा सा महंगा मिलता है, परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो आप Ryzen 5 5500U के साथ में आप जो है लैपटॉप बाय कर लीजिए। आप सभी काम कर सकते हैं, जैसे उसके ऊपर मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहां तक कि अगर डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है आपके पास तो भी आप जो है बिल्कुल प्रीमियर प्रो पर बेहतर ढंग से एडिटिंग्स कर पाएंगे। बस रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रेंडरिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि इन दोनों लैपटॉप अगर आपके सामने आते हैं तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए। मेरी पूछे तो Ryzen 5 5500U ही आपको बाय कर लेना चाहिए, भले ही 2,000-5,000 रुपए महंगा मिले। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।